झारखंड में जेएमएम की सरकार गठन के बाद पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पलामू पहुंच रहे हैं। कुछ महीनों पहले झारखंड सरकार ने राज्य कर्मचारी चयन आयोग के प्रतियोगी परीक्षाओं से हिंदी, भोजपुरी, मगही को अलग कर दिया था, जिसे लेकर सीएम हेमंत सोरेन के पलामू आगमन को लेकर कई छात्र नेताओं ने विरोध भी दर्ज करवाया था। कार्यक्रम स्थल पर काले कपड़े के साथ लोगों को एंट्री नहीं दी जा रही थी। सीएम के कार्यक्रम के दौरान छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने कई छात्र नेताओं को नजरबंदी कर दिया था, जबकि कईयों को खोजा जा रहा है। AISF के छात्र नेता विदेशी पांडे को घर में ही नजरबंद कर दिया गया है। विदेशी पांडे ने वीडियो जारी करते हुए बताया है कि लोकतंत्र में सबको अपना विरोध और प्रदर्शन करने का अधिकार है, पुलिस ने उन्हें घर में ही नजरबंद कर दिया है। पलामू पुलिस कई और छात्र नेताओं के घर पर पहुंची है और उनकी तलाश भी कर रही है। सीएम हेमंत सोरेन का कार्यक्रम पलामू प्रमंडल के पुलिस लाइन में आयोजित है। कार्यक्रम स्थल के पास सुरक्षा जांच के दौरान कई लोगों के काले कपड़े अलग रखवाए गए हैं। कई लोग काला शॉल लेकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे, जिसे अलग रखवा दिया गया। रघुवर दास के कार्यकाल में भी पलामू छात्र नेताओं के खिलाफ बड़ी कार्यवाही हुई थी। उस समय भी कार्यक्रम स्थल पर काले कपड़े पहनकर पहुँचना प्रतिबंधित कर दिया गया था।